बट ये ग्रेनेड रिकोशे कर चुका है, डैमेज प्लेयर्स को ही हो चुका है। A1 Esports का सिनिस्टर अभी भी ऑलमोस्ट अराउंड 60% एचपी। फियर यहाँ पे दूसरे दिशा पे फाइट ले रहे, मल्टीपल फाइट लेना पड़ेगा, इनको पुशिंग भी करना पड़ेगा, ये कब करते हैं वो देखना पड़ेगा हम लोग को। बट फिलहाल एज थिंग स्टैंड सर्किल अभी भी टीम सोल के फेवर पे, A1 के प्लेयर्स M5 के विजी अभी भी साइडलाइंस पे मौजूद है और वो आशा करेंगे कि सारी की सारी स्क्वाड एक दूसरे के साथ ही बिल्ड ले। बट रिच के नीचे का एडवांटेज जो है काफी देर तक नहीं रहने वाला है। सिनिस्टर ने फिलहाल सल्लू वाईटी को भी वहां पे फिनिश कर दिया, प्लेजी नॉकआउट हो चुके शॉयकॉट के द्वारा। ये शायद आवाज आ चुकी है यहाँ पे प्लेयर्स को, कॉल आउट मिल चुके कि यहीं पे पुश करना है, बट स्टील शॉट अभी भी ऊपर मौजूद है और वाइपर यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए बहुत ही बेहतरीन दो नॉक्स निकाले। A1 Esports की पूरी स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुकी है। शॉयकॉट को यहाँ पे मॉर्टल ने फिनिश करा जो कि फार ऑफ डिस्टेंस से यहाँ पे बैकअप फायर प्रोवाइड कर रहे थे, जो सपोर्ट फायर देने की कोशिश कर रहे थे। और तीन टीम्स यहाँ पे जिंदा है, 7 प्लेयर्स अलाइव, और देखना ये रहेगा कि क्या टीम सोल चिकन डिनर ले पाएगी या फिर द प्लेयर्स फ्रॉम M5 या फिर वेनम लेजेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनम लेजेंड्स का भी पुश आ चुका है। जी हाँ, पुश तो वहां पे आ चुका है, बट क्या उसको सक्सेसफुली ये लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं। रेगल टॉस की तरफ से नेट जाता हुआ और मेमो जो है उनको काफी ज्यादा डैमेज दिया गया, ऑलमोस्ट अराउंड 70% एचपी पे उनको ड्रॉप कर दिया गया। ब्लेजी का मोलोटॉफ जो है उस एक शैक के रूफ को पूरा ऑन ब्लेज करता हुआ और मेमो यहाँ पे नेट कोश करके ब्लेजी की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉक तो मिल जाएगा, बट अभी भी टीम सोल जो है दे आर होल्डिंग ऑन टू द पोजीशन 4-man स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ रेगल टॉस मेमो को नॉक डाउन करेंगे। अब वेनम लेजेंड्स के लिए बस एक ही प्लेयर खड़े हुए बचे हैं इस मैच के अंदर, निलॉय। एंड आई थिंक ये जो मैन एडवांटेज है, टीम सोल इस मैन एडवांटेज को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। कितनी टीम्स ने कोशिश करी है इनके ऊपर पुश करने की, लेकिन ये जो 4 प्लेयर्स हैं इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे अपना डिफेंस होल्ड किया है वो काफी ही काबिले तारीफ। विजी को भी फिनिश ऑफ करते हुए और इसी के साथ टीम सोल सबसे पहले इरांगल के मैच में चिकन डिनर ले जाती हुई और एक बहुत ही अच्छी रोटेशन बेस्ड स्ट्रेटजी थी। काफी अच्छे से इन्होंने सर्कल का सेंटर होल्ड किया, उसके बाद जस्ट कंपाउंड पे गए, सर्कल ने